सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपना फ्लो क्या रहेगा पढ़ने का। अपन पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, फिर अपन इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो मैं बताऊंगा जब इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद अपन इसका कोड का वेरिएशन देखेंगे। राइट, सो बेसिकली सबसे पहले अभी स्टार्टिंग करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है अपने को, और हाँ हम लोग एक बार बाइनरी सर्च इन जनरल कैसे काम करता है वो भी देखेंगे। ठीक है, ताकि तुमको पता चल जाए, एक दूसरा कंसेप्ट है उसके लिए भी मैं फाउंडेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि फाउंडेशन बिछा रहा हूँ इधर, ताकि वो कंसेप्ट तुमको समझ आए जो बाइनरी सर्च और आंसर लगाते हैं ना। सो वो कंसेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, सो इस क्वेश्चन का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी टाइम्स इज अ सॉर्टेड एरे रोटेटेड। सो बेसिकली अपने को क्या दे रखा होगा, एक सॉर्टेड एरे दे रखा होगा। इज इट सॉर्टेड? राइट, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18। सो ये एक सॉर्टेड एरे है। ठीक, मैंने बोला मैं इसको रोटेट करूँगा, है ना, मेरे को इसको रोटेट करना है। मैंने इसको रोटेट किया इधर, यहाँ से 2 इधर आ गया, 2 यहाँ से चला गया, और रोटेट किया तो 5 इधर आ गया, 5 इधर यहाँ से गया, 6 इधर आ गया, 8 को भी काट दिया, 8 भी इधर आ गया। ये रोटेट कर दिया मैंने इसको, कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा मेरे को इसको, 4 टाइम्स। राइट, सो मैंने क्या करा, अभी एरे क्या बन गया रोटेट करने के बाद ऐसा। सो अपने को इनपुट में एक सॉर्टेड एरे को रोटेट करके दिया होगा। राइट, अपने को इनपुट में एक एरे दिया होगा जो कि सॉर्टेड होगा, पर वो रोटेटेड होगा। जैसे मैंने इसको सॉर्टेड एरे को रोटेट किया, वैसे ही ये किसी एरे को सॉर्टेड एरे को लेकर रोटेट करेंगे और इनपुट में दे देंगे। राइट, अभी हम लोग को क्या करना होगा, अपने को निकालना होगा नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स ये एरे सॉर्टेड, ये रोटेटेड हुआ है। ठीक है, तो ये एरे अपने कितनी बार रोटेट किया, अपने को तो पता है कितनी बार रोटेट किया, 4 टाइम्स किया। राइट, पर अभी ये निकालेंगे कैसे अपन, है ना। सो इनपुट में क्या है, एक एरे है विच इज सॉर्टेड, विच वॉज सॉर्टेड ओरिजिनली बट देन इट वॉज रोटेटेड। ठीक है, रोटेटेड सॉर्टेड एरे इनपुट में, और अपने को निकालना है कि ये इसको कितनी बार अपन ने रोटेट करा। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम इट वॉज रोटेटेड, नंबर ऑफ टाइम इट वॉज रोटेटेड। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो अभी अपन क्या कैसे निकाल सकते हैं, हमने हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने इसको 4 बार रोटेट किया है यहाँ पर। ठीक है, पहले इंडेक्सिंग कर लेते हैं। सो पहले अपने पास एरे क्या था, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 18। इंडेक्सिंग करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। राइट, फिर एरे हम लोगों ने 4 बार रोटेट करा, और 4 बार रोटेट करने के बाद एरे कुछ बन गया ऐसा। ठीक है, ये था सॉर्टेड एरे, ये अपने को इनपुट में नहीं दे रखा हुआ, ये तो मैं तुम्हें केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सॉर्टेड रोटेटेड एरे अपने को इनपुट में दे रखा हुआ, अब हम लोगों को निकाला होगा कितनी बार इसको रोटेट करा है। तो बेसिकली ये क्या था, ये अनरोटेटेड था, या फिर मैं बेटर बोलूँ कि इसमें नंबर और रोटेशन टाइम कितने थे, 0, 0 बार ये रोटेट हुआ था, ये प्योरली सॉर्टेड था, इसको एक बार भी रोटेट नहीं करा। अच्छा, तुमको सिमिलरिटी दिख रही है, अभी हम लोगों ने बोला ये 0 टाइम था, मतलब यहाँ पर जो मिनिमम एलिमेंट था इस एरे में, जो मिनिमम एलिमेंट था ना, मिनिमम एलिमेंट वो 0 इंडेक्स पे था। इसका मतलब क्या है कि इस रोटेटेड कितने बार हुआ, ये रोटेटेड 0 टाइम्स है। ठीक है, इस एरे में देखते हैं मिनिमम एलिमेंट कहाँ पर है। सो मिनिमम एलिमेंट यहाँ पर है, और इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 4। सो बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स एरे रोटेट हुआ है ना, नंबर ऑफ टाइम्स एरे इज रोटेटेड, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इंडेक्स ऑफ द मिनिमम एलिमेंट। अपने को ऑब्जर्व करके निकालने पड़ेंगे ये सारे कंक्लूजन। पहले जब एरे बिल्कुल भी रोटेटेड नहीं था, तो मिनिमम एलिमेंट कहाँ पर था, मिनिमम एलिमेंट 0 इंडेक्स पे था, तो एरे भी कितनी बार रोटेट हुआ था, 0 टाइम रोटेट हुआ था। फिर हम लोगों ने एरे को 4 टाइम रोटेट किया, तो मिनिमम इंडेक्स कहाँ पर है, 4 है। सो अपन अगर नंबर ऑफ टाइम्स एरे इज रोटेटेड निकालना है, तो इससे अच्छा अपन क्या निकाले, इंडेक्स ऑफ द मिनिमम एलिमेंट निकाल लें, तो अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, सो इंडेक्स ऑफ मिनिमम एलिमेंट निकालना है, पर क्योंकि ये सॉर्टेड दे रखा है, तो अपने को क्या है, अपन सीधे इंडेक्स ऑफ द मिनिमम एलिमेंट निकालना है, तो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मिनिमम एलिमेंट लीनियर सर्च लगा के, तो लीनियर सर्च क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन हो जाएगा। ओ ऑफ एन अपन करना नहीं चाहते, क्योंकि सॉर्टेड दे रखा है, सॉर्टेड दे रखा मतलब जो क्वेश्चन पूछने वाले लोग हैं वो हमसे चाहते हैं कि हम लोग बाइनरी सर्च लगाएं, तो हम लोग कहीं ना कहीं इस पर बाइनरी सर्च लगा के देखेंगे। अच्छा, ठीक है, ओके। सो अभी अपन ने क्या स्टेबलिश कर लिया, अपन इतना स्टेबलिश कर लिया कि जो एरे
नंबर ऑफ टाइम रोटेटेड होगा वो किसके बराबर होगा, इंडेक्स ऑफ द मिनिमम एलिमेंट, इंडेक्स ऑफ द मिनिमम एलिमेंट, राइट। यहां पर क्या है, इंडेक्स ऑफ मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है। अभी अपने को इतना समझ में आ गया, लेट्स से इसको पिवट बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं ये पिवट है, मिनिमम एलिमेंट को पिवट बोलते हैं, है ना। अब हम लोगों को अगर इसका इंडेक्स निकालना है, आई एम सॉरी, अर्थक्वेक आ गया था। देखो अभी क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग को मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है। सो मैंने प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस कर दी किसमें, कि नंबर ऑफ रोटेशन से मैंने प्रॉब्लम रिड्यूस कर ली इंडेक्स ऑफ मिनिमम एलिमेंट में। अब इंडेक्स ऑफ मिनिमम एलिमेंट निकालना है, एक तो आपके पास तरीका है कि लीनियर सर्च लगा लें, लीनियर सर्च लगा लेंगे तो ओ ऑफ एन कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। बेटर क्या कर सकते हैं, बेटर क्योंकि एरे सॉर्टेड है तो अपन बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, सो लॉग एन आ जाएगा, ठीक है। सो मेरे को ये निकालना है मिनिमम एलिमेंट बाइनरी सर्च में, इतना सा काम है, ठीक है। जनरल बाइनरी सर्च में अपन करते क्या है, जनरल बाइनरी सर्च में अपन करते क्या है, जनरल बाइनरी सर्च में अपन क्या करते हैं, एक एरे दे रखा होता है जो कि सॉर्टेड होता है, राइट। और हम लोगों को एक ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या निकालना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक एलिमेंट एक्स दे रखा होता है कि एस को इसमें एस का इंडेक्स निकालना है, ठीक है। बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव होता है कि इस एलिमेंट का अपने को इंडेक्स निकालना है, वो एलिमेंट अपने को दे रखा होता है। यहाँ पर क्या है, वो एलिमेंट क्या है, मिनिमम एलिमेंट है। अपने को एग्जैक्टली पता नहीं है कि एक्स क्या है, पर अपने को पता है जो एक्स अपने को ढूंढना है वो मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसको स्टार्ट लेते हैं और यहाँ पर एंड लेते हैं, और स्टार्ट एंड लेने के बाद फिर अपन मिड निकालते हैं, मिड निकालते हैं, कंपेयर करते हैं क्या ये एलिमेंट जो अपने को चाहिए था एलिमेंट एक्स उसके इक्वल है। अगर है तो बढ़िया, अपन वहीं पर ही सर्च खत्म कर देते हैं ना। और अगर इक्वल नहीं है तो अपन एक तरीका ढूंढते हैं, या तो इधर जाने का या तो इधर जाने का, अपन डिसाइड करते हैं, किसी से कंपेयर करते हैं, कुछ करते हैं, और अपने को एक तरीका निकालना होता है, या तो अपन लेफ्ट में जाएं या तो राइट में जाएं। अपने को एक किसी साइड को पूरा पूरा क्रॉस करना पड़ता है कि ये अपने लिए यूजलेस है, ठीक है। सो बेसिकली इसके अगर अपन एनालॉगस सोचें तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर भी अपने को बाइनरी सर्च लगानी है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव है एक्स निकालना, जो कि क्या है, मिनिमम एलिमेंट। एक्स एग्जैक्टली एक्स नहीं दे रखा अपने को, दे रखा मिनिमम एलिमेंट। सो बेसिकली हम लोग को यहाँ पर एरे लेंगे, स्टार्ट और एंड निकालेंगे, फिर हम लोग मिड निकालेंगे, तो मिड में कंपेयर करेंगे, तो जब मिड में कंपेयर करें ना तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कंपेयर करें तो ये अपने को पता चल जाना कि ये मिड एलिमेंट है, ये मिनिमम एलिमेंट है कि नहीं। जैसे वहां पर पता चल रहा था ना कि वो एक्स है कि नहीं, यहाँ पर मिड से कंपेयर करते ही पता चल जाता था कि ये एक्स है कि नहीं। वैसे अपने पास कुछ ऐसा स्टेबलिश करना चाहिए अपने को कि जैसे ही तुरंत अपने कंपेयर करें तो अपने को पता चल जाए कि ये मिनिमम एलिमेंट है कि नहीं, ठीक है। तो पहली चीज अपने को क्या चाहिए, एट वंस अपने को पता चल जाए कि इट इज मिनिमम और नॉट। फिर दूसरा, इसके एक्स कंपेयर करते थे अपना तुरंत पता चल जाता कि ये एक्स है कि नहीं, वैसे अपने को ये पता चलना चाहिए ये मिनिमम है कि नहीं। उसके बाद अपने को अगला क्या करना पड़ता था, डिसाइड करना पड़ता था या तो यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है। सो उसके बाद सेकेंड अपने को क्या चाहिए कि समथिंग कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा, समथिंग ऐसा फैक्टर निकालना पड़ेगा जिससे कि अपन डिसाइड कर सके, सम फैक्टर टू डिसाइड, है ना, कोई फैक्टर निकालना पड़ेगा डिसाइड करने के लिए, ठीक है। अच्छा तो अपन देख लेते हैं कि पहले तो अपन ये निकालना है कि अपन जिस मिड पे आए हैं तो सीधे सीधे उस मिड को ही पता चल जाए कि ये मिड मिनिमम एलिमेंट है कि नहीं है इस एरे में, पहले तो अपने को ये निकालना है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एक बार अगर नहीं है तो अपने को ये निकालना है, या तो इस साइड में मूव करना है तो इस साइड में मूव करना है। दोनों साइड में मूव करोगे तो बाइनरी सर्च का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बाइनरी सर्च में क्या है कि एक बार में एक साइड तो अपने को, हाफ साइड तो हटानी पड़ेगी, ठीक है। सो अपने को क्या करना है, दिमाग लगाओ, जहां भी तुम्हें जहां भी अटक जाओ ना, तो वहां पर जो तुम्हें आता है ना पहले से, जो तुम्हें पहले से जो प्रॉब्लम्स कर चुके हो उनके एनालॉगस सोचो कि बाइनरी सर्च में क्या करना होता है, अपने को यहाँ पर कंपेयर करना होता है, और अपने को जब मिड यहाँ पर निकालता हूँ, मेरे को एलिमेंट वहाँ पे एक्स सर्च करना होता है, तो मिड को मैं सर्च करता हूँ, इसको इसको कंपेयर करता हूँ एक्स के साथ, और मेरे को तुरंत पता चल जाता है कि ये एक्स है या नहीं। तो यहाँ पर भी मेरे को एक्स क्या है, एक्चुअली मेरे को कंपेयर करना है कि ये मिड एक्चुअल में मिनिमम एलिमेंट है कि नहीं, तो मेरे को फाइंड करना है कि बेसिकली फाइंड मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए कोई क्राइटेरिया चाहिए। उसके बाद फिर मेरे को क्या करना होता है, या तो राइट में मूव करना होता है, लेफ्ट में मूव करना होता है, या तो राइट में मूव करना होता है, बेसिकली यहाँ पर ही वो करना चाहिए। तो यहाँ पर कोई फैक्टर चाहिए टू मूव। अच्छा एरे देख लेते हैं, ये अपने पास रोटेटेड सॉर्टेड एरे था, मैंने
मैंने बोला ऐसा कुछ सही है, मैंने बोला अगर तुम मिड पे आ जाओ, लेट्स से तुम्हारा मिड यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि टू ही मिनिमम है और इस एरिया में कोई मिनिमम नहीं है। ठीक है, मेरे को ये निकालना है कि जैसे कि कोई अगर मान लो टू सर्च करना होता तो अपन क्या आराम से कंपेयर कर लेते कि एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ मिड है कि नहीं, वैसे यहाँ पर निकालना है कि एरिया ऑफ मिड मिनिमम एलिमेंट है या नहीं, तो मेरे को कैसे निकाल सकता हूँ। अच्छा एक चीज़ देखो, क्या ये मिनिमम एलिमेंट, ये एलेवन देखो, एलेवन इससे छोटा है, ठीक है, 12 अपने राइट साइड से छोटा है, 15 अपने राइट साइड से छोटा है पर इससे बड़ा है, ठीक है, 18 अपने इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, चलो बढ़िया है, पर ये मिनिमम एलिमेंट का अगर तुम यहाँ से देखोगे तो ये अपने लेफ्ट नेबर से भी स्मॉलर है और राइट नेबर से भी स्मॉलर है। अच्छा क्या ऐसा कहीं और भी हो रहा है? 5 को देखते हैं, 5 अपने लेफ्ट नेबर से तो बड़ा है पर इससे स्मॉल है, 6 भी अपने इससे बड़ा है पर इससे स्मॉल है, और ये भी ऐसा ही है। सो बेसिकली जो अपने पास मिड एलिमेंट है ना, उसके पास ही एक ऐसी स्पेशल फीचर है कि वो अपने बोथ ऑफ द नेबर्स, दोनों नेबर से क्या है, स्मॉलर है, राइट। सो मिड क्या है, दोनों नेबर से स्मॉलर है, राइट। अगर वो मिनिमम एलिमेंट हुआ तो वो दोनों अपने नेबर से स्मॉलर होगा, ठीक है। चलो एक बात पता समझ में आ गई अपने पास कि हाँ अगर ये मिनिमम एलिमेंट हुआ तो अपन निकाल लेंगे कि मिनिमम एलिमेंट है कि नहीं, अपन कंपेयर कर लेंगे क्या एरे ऑफ मिड को उसके दोनों नेबर से, मिड माइनस वन के एरे से कंपेयर कर लेंगे और मिड माइनस मिड प्लस वन के एरे एलिमेंट से कंपेयर कर लेंगे, दोनों से कंपेयर कर लेंगे मिड को। अगर मिड यहाँ पर है, यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो उसको मिड प्लस वन से भी कंपेयर कर लेंगे और मिड माइनस वन से भी कंपेयर कर लेंगे। अगर ये दोनों से मिड वाला छोटा हुआ तो ये मिनिमम एलिमेंट होगा, तो अपने को इतना समझ में आ गया, चलो बढ़िया है। दूसरी चीज़ क्या है, अपने को मूव करना कैसे डिसाइड करेंगे, मूव करना कैसे डिसाइड करेंगे। अच्छा लेट्स से 11 12 15 18 2 5 6 8 है ना, ऐसा है, यहाँ पर कहीं स्टार्ट होगा और यहाँ पर कहीं एंड होगा, और फिर अपन मिड निकालेंगे तो मिड कहाँ पर आ जाएगा, मिड आ जाएगा बेसिकली मिड वे, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो मिड आ जाएगा यहाँ पर, राइट, 7 + 0 / 2 हो जाएगा तो मिड आ जाएगा 3। सो हर बार मेरे को निकालना है कि अब मैं अगर ये इसके इक्वल नहीं है, ये मिनिमम एलिमेंट नहीं है, तो मेरे को कंपेयर, अब मेरे को इधर जाना है या तो मेरे को इस साइड में जाना है, किसी एक साइड में जाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली हर बार मैं क्या करूँगा, ये हाफ ऑफ द एरे को डिवाइड करूँगा, और या तो मेरे को इस साइड जाना पड़ेगा तो इस साइड जाना पड़ेगा, तो किस साइड में जाऊँ, ठीक है, देख लेते हैं। 11 12 15 18 2 5 6 8, एरे हाफ ऑफ डिवाइड करते हैं, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है ना, राइट। आप बताओ मुझे कि मेरे को किस साइड में मूव करना चाहिए। यहाँ पर मिड आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर मिड आ चुका है। बेसिकली मैं अगर यहाँ से देखूँ तो मेरे को ये एरे यहाँ से सॉर्टेड है, अगर मैं इसको स्टार्ट से कंपेयर करूँ, स्टार्ट से कंपेयर करूँ मिड को, तो ये क्या आ रहा है, 11 12 14 18, ठीक है, तो ये एरे पूरा सॉर्टेड आ रहा है। फिर मैं मिड को कंपेयर करूँ एंड से, तो क्या आ रहा है, क्या एरे आ रहा है अपने पास, इसको मैं ब्लैक से दिखाता हूँ, 18 2 5 6 8, 18 2 5 6 8, तो ये सॉर्टेड नहीं है, ये एरे आ रहा है 18 2 5 6 8, और अगर मैंने यहाँ स्टार्ट और मिड को कंपेयर किया तो 11 12 15 18, ये सॉर्टेड एरे है और ये अपने पास अनसॉर्टेड एरे है, ठीक है, इतना एग्री कर रहे हो अभी तक। अच्छा अपना मिनिमम एलिमेंट कहाँ लाई कर रहा है, अनसॉर्टेड एरे में, ठीक है, तो क्या ये खाली इस बार हो रहा है कि ये ऐसा हर बार होता है। अगर मैं हाफ में कंपेयर करूं, लेट से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, उसको थोड़ा और रोटेट कर देता हूँ। इस बार मेरे पास एरे क्या था, 11 12 15 18 2 5 6 8 है, मैंने इसको और रोटेट कर दिया और मेरे पास आ गया लेट से 18 2 5 6 8, यहाँ से लिया मैंने और इसको भी इधर रोटेट करके 11 12 15, ये एरे ले लिया, ठीक है, कैसा हर बार होता है, ये स्टार्ट है ये एंड है, मिड कहाँ पर है, मिड आ जाएगा यहाँ पर, राइट। अब मेरे को बताओ स्टार्ट से मिड तक का एरे क्या है, 18 2 5 6 8, जो कि अनसॉर्टेड है, और मिड से एंड तक का एरे क्या है, 6 8 11 12 15, जो कि सॉर्टेड है,
ये अनसॉर्टेड है, राइट। सो अभी मेरे को कहाँ जाना है, मिनिमम एलिमेंट कहाँ मिल रहा है मेरे को, मिनिमम एलिमेंट अनसॉर्टेड में मिल रहा है। सो बेसिकली हम लोग अगर मिड से कंपेयर करेंगे तो हम लोग को अभी ये अगर मिड के इक्वल नहीं है, अपन मिड के इक्वल है ये कैसे निकालेंगे, ये स्मॉलर होना चाहिए बोथ ऑफ इस नेबर से। अगर अपने दोनों नेबर से स्मॉलर हुआ तो यही स्मॉलर स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा और इसका इंडेक्स ही अपना नंबर ऑफ रोटेशन हो जाएंगे, राइट। पर अगर ये स्मॉलर एलिमेंट नहीं है तो अपने को या तो इधर हाफ में जाना पड़ेगा तो इस हाफ में जाना पड़ेगा। तो अपन किस हाफ में जाएंगे, अपन उस हाफ में जाएंगे जिस हाफ में सॉर्टेड नहीं है चीज़ें, ठीक है, क्योंकि उसी हाफ में अपने को क्या मिलने वाला है, मिनिमम एलिमेंट, राइट। अब मेरे ख्याल से तुम्हें काफ़ी इसकी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब मैं थोड़ा बहुत कोड लिख के दिखा देता हूँ तुमको फटाफट। तो मैंने क्या बोला, मैंने स्टार्टिंग करी कहाँ से, मैंने बोला कि ये मेरे पास एरे दे रखा है 11, 12, 15, 18, 2, 5, 6, 8। मैंने बोला यहाँ से स्टार्ट लेंगे, एज यूजुअल स्टार्ट इज इक्वल टू 0, एंड इज इक्वल टू साइज माइनस 1, ये हो गया, ठीक है। फिर जैसे मैं बाइनरी सर्च लगाता हूँ, वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल लेस देन, वाइल क्या लिखता हूँ मैं, वाइल स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल टू एंड, सेम बाइनरी सर्च लगानी। अब अपने पास केसेस क्या हैं, केसेस क्या हैं वो देख लेते हैं, राइट। सो अच्छा एक बात और, अगर ये स्टार्ट इस एंड से कम हुआ, मतलब 11 लेस देन एंड हुआ, तो ये एरे सॉर्टेड होगा, राइट, क्योंकि अभी अनसॉर्टेड है दिख रहा है ना, तो 11 यहाँ पर है, 11 ग्रेटर है और 8 यहाँ पर। अगर ये सॉर्टेड होता तो 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 18, तो 2 स्टार्टिंग होता है और 18 आखिरी में होता, तो ये सॉर्टेड होता, राइट। ये कंडीशन चेक कर लेना, सीधा सीधा अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन मिड निकालेंगे, ठीक है। मिड जैसे निकालते हैं वैसे मिड निकाल देंगे, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 करके, सिंपल मिड आ जाएगा। एक बार मिड आ गया तो अपने को यहाँ पर ये आ जाएगा मिड, ठीक है। मैं इंडेक्सिंग कर लेता हूँ ताकि मिड वगैरह में कन्फ्यूजिंग ना हो, ठीक है, ओके। सो मिड आ गया 3 पे, 0 + 7/2 मिड आ गया, राइट। एक बार मिड आ गया तो मेरे को ये निकालना है कि मिड मिनिमम एलिमेंट है कि नहीं, तो मैं क्या निकालूंगा, इसका इस ये वाला नेबर और इसका ये वाला नेबर। सो बेसिकली मैं ये नेक्स्ट निकालूंगा और ये प्रीवियस निकालूंगा। सो प्रीवियस क्या होगा, प्रीवियस होगा मिड माइनस 1, ठीक है। और मैं मॉडलो एन कर रहा हूँ, सॉरी पहले नेक्स्ट निकाल रहा हूँ ना, नेक्स्ट निकाल लेते हैं, नेक्स्ट कर लेता हूँ मिड प्लस 1 मॉडलो एन। क्यों कर रहा हूँ मॉडलो एन, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आता मेरे पास मिड, मिड होता 7, तो 7 + 1 तो 8 हो जाता, तो 8 मॉडलो 8, तो अपन फिर से घूम के 0 इंडेक्स पा जाते हैं, इसलिए करा है मैंने, ताकि अपन आउट ऑफ बाउंड ना चले जाए। ऐसे प्रीवियस निकालूंगा, प्रीवियस निकालूंगा तो प्रीवियस कैसे आ जाएगा, मिड प्लस, बेसिकली अपन माइनस वन करते हैं, मिड माइनस वन मॉडलो एन करते हैं, पर अपन प्लस एन करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर लास्ट पे होते हैं तो अपन 0 - 1 करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव मॉडलो एन नहीं कर सकते, तो अपन एन माइनस वन करेंगे ताकि घूम के फिर से अपन लास्ट पे आ जाए। तो इसका प्रीवियस क्या है, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, ये रोटेटिंग टाइम में बना दिया। तो नेक्स्ट निकालेंगे और प्रीवियस निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अभी अपने को कंपेयर करना है कि क्या ये मिनिमम एलिमेंट है या नहीं। तो मिनिमम एलिमेंट ये है कि नहीं, वो कैसे निकालेंगे अपन, अपन चेक करेंगे इफ एरे ऑफ मिड इज लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ नेक्स्ट है, एंड एरे ऑफ मिड क्या लेस है एरे ऑफ प्रीवियस। अगर दोनों से लेस है तो अपन रिटर्न कर देंगे मिड, क्यों, क्योंकि यही इंडेक्स जो है वो मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स है, यही नंबर ऑफ काउंट आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों से लेस है, मिड जो है वो प्रीवियस, मिड यहाँ पर है, ये प्रीवियस है और यहाँ पर नेक्स्ट है। सो अगर मिड जो है अपने दोनों नेबर से स्मॉलर हुआ तो बेसिकली अपन रिटर्न मिड कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो अपने को देखना है अनसॉर्टेड एरे की तरफ जाना है। कहाँ जाना है, अनसॉर्टेड एरे की तरफ। अनसॉर्टेड एरे कौन सा होगा, अपन इसको स्टार्ट को और मिड को कंपेयर करेंगे, ठीक है, स्टार्ट को और मिड को कंपेयर करेंगे और मिड को एंड को कंपेयर करेंगे। बेसिकली अगर स्टार्ट लेस देन मिड है तो ये पूरा सॉर्टेड होगा, है ना, अगर मिड लेस देन एंड है तो ये पूरा सॉर्टेड होगा। आ रही बात समझ में, क्या बोला, अगर स्टार्ट लेस देन मिड है तो ये पूरा सॉर्टेड होगा, और अगर मिड लेस देन एंड आता है तो ये पूरा एरे सॉर्टेड होगा मिड से लेकर एंड तक। सो इस केस में क्या हो रहा है,
इस केस में स्टार्ट लेसन मेड है तो ये एरर सॉर्टेड है, तो अपने को इधर नहीं जाना, अपने को इधर जाना है अनसॉर्टेड एरर पे। तो ये कंडीशन में लिख लेते हैं, क्या करेंगे अपन, इफ एरे ऑफ स्टार्ट, पहले अपन स्टार्ट को कंपेयर कर लेते हैं, इफ एरे ऑफ स्टार्ट इज लेस देन एरे ऑफ मिड। सो अगर ये स्टार्ट एरे ऑफ स्टार्ट जो है वो इससे लेस है तो ये पूरा एरे सॉर्टेड है, तो अपने को इस एरे में सर्च करनी है ना, इस एरे में सर्च करना है बेसिकली। तो स्टार्ट अपन क्या कर देंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन, राइट। सो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन, और एल्स इफ क्या हो जाएगा, एल्स इफ अगर एरे ऑफ ये मिड जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है, एरे ऑफ एंड के, पर ये इससे लेस आ रहा है तो अपने को ये एरे सॉर्टेड है तो इस एरे में सर्च करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन, यहाँ पर अपन ये यहाँ एंड पॉइंट करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि अपने को इसी एरे में सर्च करना है। तो यहाँ पर एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन, दैट इज इट। आई होप कोड लिख लोगे तुम लोग। सिंपल अपन ने क्या क्या करा, मैं एक बार जल्दी से सम अप कर लेता हूँ। मैंने बोला मेरे को बाइनरी सर्च निकालनी है, ठीक है, मैंने बोला मेरे को नंबर ऑफ काउंट निकालना है कि एक एरे कितनी बार रोटेटेड हुआ है ना। नंबर ऑफ काउंट मैंने पहले क्या स्टेबलिस कर लिया कि नंबर ऑफ काउंट किसके इक्वल होता है, इंडेक्स ऑफ मिनिमम एलिमेंट। अब मैं इंडेक्स ऑफ मिनिमम एलिमेंट कैसे निकालूं, बेसिकली जैसे मैं एक्स को कंपेयर करता हूँ ना एरे ऑफ मिड के संग, वैसे मेरे को कुछ ऐसा कंपेयर करने का बनाना चाहिए जिससे मेरे को पता चल जाए कि एरे ऑफ मिड जो है वो मिनिमम एलिमेंट है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला कि मैं इसके प्रीवियस और उसके नेक्स्ट को कंपेयर कर लूंगा, अगर दोनों से छोटा हुआ तो यही रिटर्न कर दूंगा, यही मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कोड लिख दिया मैंने, ये मिड निकाला और उसको यहाँ पर कंपेयर कर दिया, कंपेयर कर दिया तो मैंने वही रिटर्न कर दिया, ठीक है, सिंपल है। ये नेक्स्ट का इंडेक्स निकाल लेना, प्रीवियस निकाल लेना, उसके बाद कंपेयर कर लेना इनको। अगर जो मिड है वो मिड इन दोनों से छोटा हुआ तो फिर मिड ही अपने पास वो मिनिमम एलिमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि अगर ये नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं, या तो एक्स निकालना होता है जब अपने बाइनरी सर्च नॉर्मल लगाते हैं, जब ये जो मिड का एलिमेंट होता है वो अपना एक्स नहीं होता, तो या तो अपन इधर मूव करते हैं या तो अपन इधर मूव करते हैं, किसी एक साइड को क्रॉस करते हैं, वही अपन ने यहाँ पे करा। तो अपन कौन से साइड में जाएंगे, इसको अगर ये मिनिमम एलिमेंट नहीं निकला, ये अपने नेबर से दोनों नेबर से छोटा नहीं निकला, तो अपन उस साइड में जाएंगे जो साइड होगी अनसॉर्टेड। तो अपन वही देख लिया, अगर ये साइड सॉर्टेड है तो अपन उसकी दूसरी साइड में जाएंगे, अपन चेक कर लिया ये साइड सॉर्टेड है तो अपन इधर जाएंगे, और ये साइड सॉर्टेड है तो अपन इधर से आएंगे। तो बेसिकली वही कोड लिख दिया, बहुत सिंपल है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ काउंट, एरे इज रोटेटेड, ठीक है। सो हम लोगों ने कैसे इसको अप्रोच किया, नंबर ऑफ काउंट एरे इज रोटेटेड, तो ये समझ में आ गया, ये हो जाएगा इंडेक्स ऑफ मिनिमम एलिमेंट, राइट, इंडेक्स ऑफ मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा। और इंडेक्स ऑफ मिनिमम एलिमेंट में क्या, बस मिनिमम एलिमेंट इंडेक्स सर्च करना है, तो मिनिमम इंडेक्स की इसकी दो चीज़ें सर्च करनी है, अपने को तुरंत एट वंस पता चल जाए कि ये मिनिमम एलिमेंट है कि नहीं, और फिर अपने को डिसाइड करना है कि किस हाफ में मूव करना है, ठीक है। एक बार तुरंत एट वंस पता चल जाए कि ये मिनिमम एलिमेंट है या नहीं जो एरे ऑफ मिड, उसके बाद अपने को एक हाफ में मूव करना होगा अगर ये मिनिमम एलिमेंट नहीं हुआ, तो कौन से हाफ में मूव करना, तो दो डिसाइडिंग फैक्टर निकालने के लिए अपन ने ये कोड लिखा है, राइट। ओके, थैंक्स।